यूके न्यूज़ खबरों की नई पहचान। झामुमो द्वारा मैथन स्थित डीवीसी मिश्रित भवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और डीवीसी प्रबंधन के रवैया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे झामुमो नेता अशोक मंडल ने बताया कि डीवीसी मैथन द्वारा लगभग 18 घंटे बिजली कटौती की जा रही है, जिसके कारण विभिन्न उद्योगों एवं बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीवीसी प्रबंधन का कहना है कि यह बिजली कटौती झारखंड सरकार द्वारा अत्यधिक बिल बकाया होने के कारण की जा रही है, लेकिन इसके लिए झारखंड की पूर्व सरकार यानी रघुवर सरकार जिम्मेवार है, न कि हेमंत सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से करने का पीछे आपने देखा होगा, लगातार इधर दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने झारखंड सरकार को चेतावनी देने का काम किया है, जे हम इस क्षेत्र में 18 घंटा बिजली प्रतिदिन काटने का काम करेंगे। हमारा कहने का मकसद ये है, निश्चित रूप से सरकार के पास इसका पैसा बाकी है, लेकिन इसके लिए वर्तमान जो झारखंड सरकार है ये दोषी नहीं है। आज के दिन में झारखंड सरकार मात्र 3 महीना इसका उम्र हुआ है और इस 3 महीना के अंदर में ये सारा व्यवस्था नहीं हो सकता है, लेकिन इसके पहले जो भी सरकार चला राज्य के अंदर में, तो उस सरकार ने अनदेखी किया करने का काम किया, तो उस समय दामोदर वैली कॉरपोरेशन को जिम्मेवारी लेना चाहिए था, उस समय उसको नोटिस देने का काम करना चाहिए था, ना कि मुझे आज के दिन में लगता है ये भारत सरकार के द्वारा हमारा झारखंड सरकार को डिस्टर्ब करने का एक योजना बनाने का काम डीवीसी के माध्यम से करने का काम कर रहा है।